महबूबा मुफ्ती के घर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जो मीटिंग हुई है, जिसमें गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की है। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो जो षड्यंत्र करेगा वो बच नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता अमन भाईचारा चाहती है, विकास चाहती है। पिछले 70 सालों में पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वाल्मीकि समुदाय के, गोरखा समाज के लोग हों, जम्मू कश्मीर की महिलाएं हों, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके साथ धारा 370 ने बहुत अन्याय किया है। आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म देने वाली धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। यह धारा अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। ये षड्यंत्रकारी लोग एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान करना चाहते हैं, लेकिन इनके एजेंडे को, इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे, ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। ये अपने आप को बचाने के लिए इस समय एक शगुफा कश्मीर घाटी के अंदर इन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। इनके इतिहास को जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जब ये सत्ता में रहते इन्होंने कितने पाप, कितने गुनाह किए हैं। इनके पापों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, और अगर फिर से कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने का कोई षड्यंत्र किसी फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती ने किया तो इसके गंभीर परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे।